और टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी खबर, मनीष नरवाल और सिंहराज के लिए नाम की घोषणा हुई है। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष को 6 करोड़ रुपए देगी सरकार। इसके अलावा रजत पदक जीतने वाले सिंहराज को 4 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान हुआ है। हरियाणा सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। फोन लाइन पर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। विनोद, ये बड़ी खबर हरियाणा सरकार की तरफ से इन खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान। निश्चित तौर पर पैरालंपिक के खिलाड़ियों को ही उतना मान सम्मान मिल रहा है जितना ओलंपिक खिलाड़ियों को मिला था। हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। 50 मीटर पिस्टल में टोक्यो पैरालंपिक में मिक्स 50 मीटर पिस्टल में हरियाणा के मनीष नरवाल ने जो गोल्ड मेडल जीता है उसे 6 करोड़ इनाम मिलेगा और सिंहराज 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित किया जाएगा और दोनों ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में खास बात ये भी है कि दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद जिले में हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों खिलाड़ी और इन पर सरकार ने सम्मान राशि के तौर पर मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए और सिंहराज अधाना को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। कितना जरूरी है ये इस तरह से हौसला बढ़ाना खिलाड़ियों को और कितनी मदद मिलेगी, चूंकि आप बता रहे थे इससे पहले कि बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं सिंहराज, मदद बहुत मिलेगी सिंहराज के परिवार को और उन्हें। निश्चित तौर पर हाँ, जिससे पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी किस पृष्ठभूमि से हैं, दोनों ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और बहुत सामान्य से परिवार से हैं और जो आपका पहला सवाल था वो भी महत्वपूर्ण है कि इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में फर्क ना करना भी अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार की एक अच्छी नीति को दिखाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने जिस तरह से गवर्नमेंट पोस्ट में माफ कीजिएगा जिस तरह से गवर्नमेंट नौकरियों देने में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी उसको लेकर काफी नाराजगी थी, लेकिन पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल स्पर्धाओं का जो एक कुंभ होता है वहां की परफॉर्मेंस में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और वहां ओलंपिक खिलाड़ियों की तर्ज पर ही नौकरियां भी ऑफर की गई हैं और इसके साथ इनाम राशि भी मैच करती है। 6 करोड़ गोल्ड की एक इनाम राशि है जो ओलंपिक में किसी भी तरह से गोल्ड लाने वाले, चाहे अब उसमें ओलंपिक हो या फिर पैरा ओलंपिक हो, ये हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है। परिवार में विनोद किस तरह का माहौल है? फरीदाबाद के दोनों रहने वाले ये खिलाड़ी हैं, एक तो जीत का जश्न यूं मन रहा होगा कि बेटों ने कमाल कर दिखाया है, जीत शानदार दर्ज किया, वहीं दूसरी तरफ ये ऐलान हरियाणा सरकार का। निश्चित तौर पर जो बल्लभगढ़ के पास एक ऊंचा गांव पड़ता है वहां का रहने वाला है सिंहराज अधाना और वहां जिस तरह से उनकी माताजी से भी बातचीत हो रही थी, कुछ तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी, वहां बहुत निश्चित तौर पर प्राउड मूवमेंट है और इनामी राशि को लेकर भी कहा जाए कि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जो स्ट्रगल करके और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की अगर खास तौर से बात की जाए, जो स्पेशली एबल खिलाड़ी हैं, कुछ डिफरेंट उनके शरीर में क्षमता है, कुछ चीजों की जो कमी होती है उससे पार पाते हुए इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन और उस प्रदर्शन के बाद निश्चित तौर पर दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल है। ठीक, शुक्रिया आपका विनोद इस पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से, मनीष को 6 करोड़ रुपए, इसके अलावा सिंहराज की अगर बात करें तो 4 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से और ना सिर्फ इनाम राशि बल्कि दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देगी सरकार।